सिलसिला बुलेटिन में खबरों का शुरू करेंगे। पाकिस्तान का रुख करेंगे और इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं, तालिबान लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमलावर है, उसको लेकर एक खास रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले बर्बाद पाकिस्तान पर हमलों की बौछार है। कंगाल हो चुके जिन्नालैंड की तबाही चारों तरफ से है। बलूचिस्तान में विद्रोह है तो पीओके में आजादी की मांग है। लाहौर में हल्ला बोल है तो इस्लामाबाद में गदर है। एक तरफ अंदरूनी कलह है तो दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्कों से बिला वजह का पंगा है। बवाल से पाकिस्तान खंड खंड होने की दहलीज पर है। तालिबान और पाकिस्तान में जिस तरह से वार पलटवार हो रहा है, उससे शहबाज घिरते जा रहे हैं और रह रहकर पाकिस्तान पर चारों दिशाओं से हमले किए जा रहे हैं। ये हमले बेहद खतरनाक हैं। शहबाज न माने, बिलावल न माने, जरदारी भी न माने, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान इस वक्त कई टुकड़ों में तकसीम होने के कगार पर है। मजे की बात देखिए कि अफगानिस्तान से मिलकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में विद्रोह की आग शोलों में तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान पर ये हमले काफी प्री प्लान के तहत किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबान, टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाथ मिला लिया है, जो पाकिस्तान के कोने कोने में गदर मचाने को बेताब हैं। शहर शहर कोहराम मचा हुआ है और अब इन तीनों की दोस्ती का फायदा पीओके भी उठाने को तैयार है। पीओके में शिया मुस्लिम सड़कों पर हैं। शिया समुदाय सरकार की ज्यादती और कट्टरपंथियों की वजह से हलकान और परेशान है। पाकिस्तान की सरकार और सेना को समझ नहीं आ रहा है कि एक वक्त में चारों तरफ से भड़क उठे ज्वाला को कैसे शांत किया जाए। एक तरफ अफगानिस्तान ने कोहराम मचा रखा है, डुरन लाइन पर अफगानियों ने पाकिस्तान का जीना मुहाल कर रखा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर बॉर्डर पोस्ट बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान जिस डुरन लाइन को बॉर्डर कहता है, उसे अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत मानने को राजी नहीं है। इसीलिए अफगानिस्तान ने सरहद पार करके पाकिस्तान में नई सरहदें बनानी शुरू कर दी है। तालिबान के मुताबिक जहां अफगान सीमा बना रहा है, वही असल सरहद है। पाकिस्तान जब जब विरोध करता है, अफगानिस्तान गोलीबारी से जवाब देता है। इसी बीच बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी पाकिस्तान सेना के नाक में दम कर रखा है और अक्सर पुलिस और सेना को निशाना बनाता रहता है। बलूचिस्तान में शांति और उग्र प्रदर्शन, दोनों तरह के प्रदर्शन जारी है। एक तरफ महरंग बलूच की अगुवाई में हजारों लोगों का जमघट है तो दूसरी तरफ बेले के ताबड़तोड़ हमले हैं। बलूचिस्तान धधकते हुए ज्वालामुखी के ढेर पर है जो कभी भी फट सकता है। बीएलए को तब और बल मिल गया जब टीटीपी ने खुला समर्थन देते हुए कहा कि हम बलूचियों के साथ हर वक्त खड़े हैं, हम दोनों को मिलकर शहबाज सरकार को उखाड़ फेंकना होगा और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान पर हम लोगों का कब्जा होगा। पाकिस्तान में लगातार बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं, कभी पीओके, कभी खैबर पख्तूनख्वा और अब बलूचिस्तान। पीओके के लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं, जीना होगा, मरना होगा, लड़ना होगा, तभी आजादी तो मिलेगी। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत यह है कि पाकिस्तान की अंदरूनी कला का फायदा अफगानिस्तान उठाने को तैयार है और धीरे धीरे पाकिस्तान में घुसता जा रहा है। बलूचिस्तान में बलूच आर्मी लिबरेशन सेना से अपने इलाकों से खदेड़ रही है और वो इलाका अपना बता रही है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी राज करने के लिए तैयार है। पीओके सड़कों पर है, यानी पाकिस्तान कभी भी कई टुकड़ों में तकसीम हो सकता है, या यूं कहें कि पाकिस्तान टूट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।